ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड। सो ये रहा मेरा माउस जो कि मैं यूज करता हूँ लॉगिटेक का। मैंने देखा है कि लोग पैसा बचाने के लिए या 100-150 इस तरह से बचाने के लिए कोई भी माउस खरीद लेते हैं या कोई भी कीबोर्ड खरीद लेते हैं, या अगर अच्छे कंपनी की मैं बात करूं तो डेल का हो गया, एचपी का हो गया। सो मैंने इन सारे माउस को और कीबोर्ड को मैंने यूज़ किया है। सो ओवरऑल लॉगिटेक का माउस बेस्ट है। एंड ये मैं सिर्फ लास्ट वन ईयर के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉगिटेक का कीबोर्ड और माउस आई थिंक सो लास्ट 7 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, 7 or 8 ईयर्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो कीबोर्ड और माउस मेरे कंप्यूटर में आज तक काम कर रहा है। कि मेरे को 3-4 साल बाद मेरे को एक बार कीबोर्ड साफ करना पड़ा था। एंड बेसिकली होता क्या है, ये आपका कीबोर्ड है। सो बेसिकली कीबोर्ड के अंदर में गंदगी भर जाता है। सो ये सब जो कीपैड है इसके अंदर में गंदगी भर जाता है। सो हम लोग को कभी कभी बीच बीच में हम लोग को ये की निकाल कर साफ करते रहना चाहिए। सो जैसे कि ये की निकल गया। सो इसी तरह से इसको मैंने एक बार सारे के सारे की को निकाल कर अपने कंप्यूटर वाले में, ये नहीं, ये तो मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड है। सो मैंने अपने कंप्यूटर वाले का सारा की साफ कर दिया था, उसके बाद अभी भी नॉर्मल प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंड मैं जो कीबोर्ड और माउस यूज़ करता हूँ तो बेसिकली ये एक लॉगिटेक का माउस है जो कि मेरा एक और माउस है जो घर पर रहता है। सो ये भी मेरा वायरलेस माउस है एंड इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 600 के अप्रॉक्स है। तुमको 400 में वायरलेस मिल जाएगा, 350 में भी मिल जाएगा, बट प्लीज़ 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाकर, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाकर एक अच्छा माउस खरीदो, बिकॉज ये माउस रियली में ख़राब नहीं होने वाला। ये माउस मैं प्रेजेंटली 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरा इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो आज भी मेरा वही बैटरी लगा हुआ है जो कि इन्होंने लगा कर दिया था, और ये कभी भी बंद नहीं रहता है। एंड इन दोनों माउस एंड कीबोर्ड के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इसका लाइट। सो आप लोग देखोगे जब आप माउस यूज़ करोगे तो उसके नीचे में रेड कलर का लाइट जलते रहता है। सो बेसिकली इसमें कोई लाइट नहीं जलता है, पता नहीं ये इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करता है। सो दैट्स वाई ये कम अनॉइंग है, मुझे वो रेड लाइट से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। सो दैट्स वाई ये बेटर है, दिखता भी नहीं है, ये ऑन है या ऑफ है, आप देख सकते हो अभी ये ऑन है, ये ग्रीन वाले पोर्शन पे ऑफ है, रेड वाले पे ऑफ है। तो पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ, सो ये मैंने कॉम्बो में खरीदा था एंड इसका दोनों का कलेक्टिव प्राइस मुझे 2000 पड़ा था। एंड ये जो मेरा माउस है ये 1000 का माउस है। सो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। एंड इस माउस का जो सबसे ज्यादा स्पेशलिटी जो मुझे अच्छा लगता है वो इसका पाम रेस्ट। सो ये आप देख सकते हो कि इसका जो कटिंग है, जो इस तरह से जो माउस का डिजाइन दिया हुआ है, इसके कारण मेरे हाथ में कभी दर्द नहीं होता है। बेसिकली मैं इसे बहुत देर तक भी पकड़ता हूँ ना तो ये एकदम मेरे पूरे पाम में ये सेट हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं लॉगिटेक का पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा। इसी प्राइस रेंज में एचपी का भी आता है, डेल का भी आता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के पास एचपी और डेल दोनों का माउस था, बट यार वो माउस रियली में वर्थ इट नहीं है। अगर सेम प्राइस में लॉगिटेक मिल रहा है तो डेफिनेटली मैं उसको उसके साथ जाने को नहीं बोलूंगा। एचपी का नाम सुनने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बट कीबोर्ड और माउस के डिपार्टमेंट में लॉगिटेक इज बेस्ट। सो ट्राई टू बाई माउस एंड कीबोर्ड ऑफ लॉगिटेक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। एंड ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं शेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।